भारतीय जनता पार्टी ने बाइपोलर चुनाव कराने की कोशिश की थी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। इसमें माना जा रहा था कि जेडीएस की स्थिति कमजोर होगी, लेकिन जितने एग्जिट पोल आए सब में जेडीएस की स्थिति लगभग बराबर है। क्या वजह है इसकी? बराबर कहाँ है, सब में 20, 21, 22 20 कम नहीं, मतलब हाँ मेरा कहना हाँ। एक ही संख्या है, जेडीएस को गिराया नहीं किसी ने, एक ही आसपास है, 20 से लेके 25 के बीच में कम थी। तो है, वो तो 39 थे ना हाँ पिछली बार, हाँ अब 21 वो तो जी, इतनी छोटी पार्टी के लिए बहुत बड़ा लॉस है जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। हालांकि तो ये मैं किधर भी इस जाएगा? बात पे यकीन है नहीं, इसको और मेरे साथ इसको बहुत बांट लिया है क्या? इसको क्या हाँ भाजपा और कांग्रेस ने बांट लिया है क्या आपस में? नहीं, हमें क्या अमरीश जी, मैं पहले एग्जिट पोल के बारे में कह दूं कि मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, क्योंकि मैं कई जगह लिखती भी हूं कि आर्टिकल्स मांगे जाते हैं एग्जिट पोल्स के बेसिस पर और फिर रिजल्ट बिल्कुल अलग आता है। हाँ ये हो चुका है मेरे साथ, तो पूरा आप तैयारी करो क्योंकि उस दिन बहुत बिजी होते हैं सब पत्रकार वगैरह, हाँ तो तैयार करके, लेकिन हमेशा कुछ इधर उधर रुख बदलता है। मुझे अभी भी यकीन, जो हमें देखना है भाजपा की तरफ से एग्जिट पोल तो काफी अच्छा खासा, जो मैंने देखा है अभी तक अच्छा खासा रिजल्ट काफी उनको दे रहे हैं, तो हमें यह एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर भाजपा 80 तक 80 तक पहुंचती है तो हमें मानना पड़ेगा कुछ हद तक कि प्रधानमंत्री ने कुछ हद तक उनको बचाया हुआ है। अगर 80 तक आती है बीजेपी, अगर बीजेपी जीत जाती है तो वाह वाह, प्रधानमंत्री की सब जय जयकार ही करेंगे, क्योंकि भाजपा हारने वाली स्थिति में थी जिस तरह से बंटवारा हुआ, जहां तक मेरी जानकारी है हैदराबाद कर्नाटका, क्योंकि हम एक पत्रकार है वहां के, वहां पे तो बुरी तरह हारने वाली है उस इलाके में। तो अगर ये भाजपा 80 और कोई रिस्पेक्टेबल रिजल्ट लेके आती है तो फिर भी हमें, अब देखिए ये टाइम्स नाउ का आ रहा है 85 113, ये भी बुरा रिजल्ट नहीं है बीजेपी के लिए। जो हालात थे उसके हिसाब से कांग्रेस ने क्लीन स्वीप, क्लीन विक्ट्री, वो सब हमें फाइनल डेटा पॉइंट्स में देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो वो है एक्सपीरियंस, वो आप याद रखिए कि कांग्रेस टूट चुकी है, जनता दल टूट चुकी है, ये और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग आइडियोलॉजी को छोड़ के, कोस्टल कर्नाटका को छोड़ के, हम लोग बात करें जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है, जो बहुत पैसा दिया जाता है, जो वोटर को लाने का जो काम होता है, वो हमेशा भाजपा का सबसे बेहतर होता है। वो भी हमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स चुनाव का, जो कंट्रोल है सरकार भी उनकी है, ये सब चीजों पर हमें गौर करना पड़ेगा। जहां तक मैं देख रही हूँ, मैं कर्नाटक को ना तो एक, अगर लहर हो जाती है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लहर या तो कांग्रेस के पक्ष में जाए तब बड़ी बात है, अगर ये अरिथमेटिक किसी ना किसी तरह कांग्रेस जीत जाती है और भाजपा भी अच्छा खासा कर लेती है, उसमें भी हमें एक मैसेजिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि कर्नाटक में वैसे भी कोई सरकार रिपीट नहीं होती है, और तो अब तब हमें मानना पड़ेगा कि अडानी वगैरह इन सब पार्लियामेंट डिसरप्शन, जिस तरह से राहुल गांधी के साथ नाइंसाफी हुई, उसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कैंपेन को पलट सकते हैं, और हमें एग्जामिन करना पड़ेगा जहां वो गए जहां नहीं गए। लेकिन अभी तक जो जानकारी है, अभी तक जो जो लोग बता रहे हैं, मतलब हैदराबाद कर्नाटक में तो बहुत बड़ा लॉस होगा भाजपा का, तो क्या गणित होगा अंत में कहना मुश्किल है। लेकिन और ये जो हम वोटिंग परसेंटेज, हमेशा जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इतने सालों तक मैं चैनल में बैठी रही, कि वो बिल्कुल बदल जाता है कुछ घंटों के बाद, वो अभी ये जो अभी आ रहा है वो नहीं होगा, तो उसके आधार पर हम लोग ज्यादा बात ना करें, वो तो एक दूसरा डेटा सेट आएगा बिल्कुल अलग इलेक्शन कमीशन के थ्रू, वो एक बात है। और अभी तक जो मैं, जब तक शो आपका शुरुआत, जब तक जो हमने देखा तो भाजपा अच्छा खासा कर रही थी एग्जिट पोल में, अब रिजल्ट में क्या होगा वो देखना पड़ेगा, मार्जिन ऑफ विक्ट्री क्या होगी इसमें भी एक अहम बात होगी, और सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये कांग्रेस के लिए ज्यादा, कांग्रेस के लिए तो बहुत ही अहम अहम चुनाव है, भाजपा के लिए भी अपने अंदरूनी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चुनाव है, क्योंकि उसने अपना अपने ट्रेडिशनल कास्ट लीडरशिप को नजरअंदाज करके सिर्फ प्रधानमंत्री, हिंदुत्व, धन और संगठन पर लड़ा है, और
ये सब 40% सरकार की बात के बाद अगर वो 80, 89, 90 तो उनके लिए भी बुरा रिजल्ट नहीं है इतने सालों के बाद। हमको मानना पड़ेगा कि ये धन ये सब चीजें असर करती हैं भाजपा। और ये भी एक एक चीज मैं कह दूं, इतने सालों तक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे आप मध्य प्रदेश चलिए दिग्विजय सिंह के बाद, एक काम तो भाजपा करेगी, सड़कें वड़के इम्प्रूव कर देगी जहां भी उसकी सरकार होती है, हाईवे इनका हम कह सकते हैं कि उनका सोशल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका पूरा मकसद ही यही है कि किसी तरह ये सोशल जस्टिस के प्लेटफॉर्म्स को खत्म किया जाए। और कर्नाटक में भी ये बात बात उभरी है कि आप ये सोशल जस्टिस लिंगायत पर अप्लाई किस हद तक हो सकता है, वो भी सवाल है कि लिंगायत को खत्म करके ब्राह्मण लोग अब निर्णय ले रहे हैं, बीएल संतोष की मैं बात कर रही हूँ। ये सब मुद्दे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वो बेहतरीन रोड इस तरह की चीजें कर देती है पार्टी और हमेशा, और तो कुछ जगहों में। लेकिन जब शो से पहले मैंने देखा कि बैंगलोर में भी कांग्रेस के शायद ज्यादा सीटें आ रही हैं, एक दो सीटें बढ़ गई हैं बैंगलोर में, कुछ लॉसेस हुए बीजेपी के लिए, वो सब रोड शो, वो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। फिर से मजबूरी है, एग्जिट पोल के साथ ये बहुत अजीब स्थिति बन जाती है, हम लोग कोई विश्वास नहीं करते फिर भी हम उस पर बात करते हैं, और ये आपने कराया है। मैं मेरा थंबनेल एग्जिट पोल का नहीं था वैसे सभा जी, थंबनेल तो था कोई लहर जी, जब यूपी बिहार इन जगहों पे जब, क्योंकि वहां से सबसे बहुत आना जाना होता है, तो लोग एग्जिट पोल वाले फोन भी करते हैं कि आपका क्या अनुमान है, वो फोन से होता है।